पटना पुलिस ने महिला मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया है। दरअसल कल गोपालपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव में हुई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने न केवल खुलासा किया है बल्कि मुख्य आरोपी के साथ साथ दो शूटरों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने शूटरों के पास से इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड मृत महिला का पति बताया जा रहा है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद की पत्नी की हत्या कराई। पूछताछ में पुलिस को यह बात पता लगी है कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कराने के लिए सुपारी किलर से 2.5 लाख रुपये में डील की थी। महिला की हत्या के लिए एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये सुपारी किलर को पति के द्वारा दिए गए थे। दरअसल चैनपुर में महिला की हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू किया, जिसमें महिला के पति ने दो युवकों के साथ खुद का झगड़ा होने की बात कही। उन्हीं युवकों के द्वारा रास्ते में घेर कर उन पर गोली चलाए जाने की भी बात कही गई। अपराधियों की गोली उनके पत्नी को लगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि पति के द्वारा दिए गए बयान पर पुलिस को भरोसा नहीं हुआ और पुलिस ने पूरे मामले की कड़ियों को जोड़कर अंदर तक तहकीकात की। पुलिस के तहकीकात से यह खुलासा हुआ कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड मृत महिला का पति ही है, जिसने सुपारी देकर पत्नी को मरवाया है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि महिला के पति का अपनी साली के साथ अवैध संबंध था और अपनी पत्नी से बच्चा न होने के कारण संभवतः उसने अपनी ही पत्नी की हत्या करने की न केवल साजिश रची बल्कि घटना को अंजाम भी दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के साथ दोनों शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। शूटरों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले में अन्य पहलुओं पर भी तहकीकात कर रही है। मामले की जानकारी पटना के पूर्वी सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने दी। जानकारी एकत्रित किया गया तो पता चला कि इनको जो है किसी भी हालत में एक बेटा चाहिए था और साली से जो है इनका बहुत ही इंटीमेट रिलेशन था और इनके द्वारा बताया जाता था कि मेरी वाइफ जो है, उनकी वाइफ जो है मंदबुद्धि है, तो हमारा जो शक है और ज़्यादा बढ़ने लगा। इसमें इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि ये अपनी वाइफ को पिछले साल के अक्टूबर से ही वो मरवाना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने अपने दुकान के पास जक्कनपुर के दो लड़कों के साथ एक डील किया 2.5 लाख की, 50,000 का पेमेंट भी किया, उसके लिए लोन भी लिया था और इसके काम के बाद जो है 2 लाख देने की बात की। घटना के दिन जो है बताए गए प्लान के अनुसार उसी रास्ते से ये जाते हैं और वही दो जो लड़के हैं उनके द्वारा जो है इनकी वाइफ को गोली मारते हैं और उसमें जितने भी दो लोग थे जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो, जो पिस्टल जो यूज किया गया वो, और इन जो कपड़ा जो ये पहने हुए हैं अपराधी लोग वो, इन सब जो है जब्त हुआ है।